वेलकम एवरीवन इन टुडे सेशन। टुडे वी हैव मिस्टर संतोष कुमार मिश्रा एज अ रिसोर्स पर्सन एंड ही इज गोइंग टू गिव द ट्रेनिंग ऑन द टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो आई रिक्वेस्ट हिम टू स्टार्ट द सेशन। सर प्लीज। आई संतोष कुमार मिश्रा स्टैंडिंग हियर फॉर द ट्रेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो आई Well, to explain about what is the meaning of gratitude or what is the importance of gratitude. So firstly, gratitude means abhar or kritagata. So gratitude is a positive emotions that involves being thankful and appreciative and is associated with several mental and physical benefits. Gratitude के द्वारा अगर कोई हमारे अंदर कोई पॉजिटिव भावना उत्पन्न करता है और इसके द्वारा हम हमारे अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है। अंकल जी ग्रेटिट्यूड यू फील ग्रेटफुल फॉर समथिंग और समवन इन योर लाइफ एंड रिस्पॉन्ड विद फीलिंग ऑफ काइंडनेस वार्म एंड अदर फॉर्म ऑफ जेनरोसिटी। The word gratitude can have a number of different meanings depending upon how others use it and is what you find it. ये जो हमारा gratitude है इसके कई अर्थ होते हैं, इसके कई अर्थ हो सकते हैं according to time or according to Hindi. In general terms, gratitude stems from the recognition that something good happened to you, accompanied by an appraisal that someone, whether another individual or an impersonal source, such as nature or the divine entity, was responsible for it. कहने का मतलब है कि कृतज्ञता हमारे अंदर है क्या? कृतज्ञता हमारे अंदर की वह खासियत है, वह विशेष गुण है जो आपके आपको किसी के मदद के लिए आभारी होने का अवसर प्रदान करता है। यानी जब हम किसी की मदद के बदले में उसको हम अपनी ओर से कुछ आभार प्रकट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि हमें वो ग्रेटिट्यूड के द्वारा हम उसे कह सकते हैं अपना आभार उसको देते हैं कि आपने हमें मदद की, इसके बदले में हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञता दिखाना यानी उस व्यक्ति की प्रशंसा करना जिसने आपकी मदद की। अगर कोई व्यक्ति हमें मदद करता है और उसे हम अपना आभार प्रकट करते हैं तो उस व्यक्ति का होता क्या है कि उसमें पॉजिटिव एनर्जी आता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है जिससे हमें काम करने में और उसे काम किसी को मदद करने में मदद मिलती है। बदले में विनम्रता भी उत्पन्न करती है। या जब हम किसी के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, विनम्रता का भाव उत्पन्न होता है, हमारे अंदर हम बिना बनते हैं। यह मनुष्य की सबसे बड़ी खासियत है और यह जरूरी भी है तब जब बात सामाजिक मानवता और सद्भाव की आती है। और ये ग्रेटिट्यूड खास करके वैसे जगह में अगर हम अपने समाज में हम अपने आसपास लोगों के साथ यदि हम सद्भाव बनाना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें हर विशेष पर जब भी कोई हमें कुछ भी मदद करता है तो उसके प्रति हमें आभार प्रकट करना। अगर हम आभार प्रकट करते हैं तो उसके मन में भी क्या होगी, संतुष्टि होगी, चलो आज हम बहुत अच्छे काम किए हैं, हमारे अंदर भी क्या होगा, एक संतुष्टि आएगी कि चलो हम उसके बदले में आज हम उसको आभार होने का आभारी होने का हम एक मौका उसे प्रदान। अब इसके बाद अगर कृतज्ञता को प्रकार नहीं हुआ, कृतज्ञता कितने प्रकार के होते हैं, कृतज्ञता यह किसके द्वारा और किसके लिए व्यक्त किया गया है, इसके आधार पर विभिन्न प्रकार इसका के कैमरा का स्टैंड ही मंगाना है, कैमरा और स्टैंड मंगाना है। इसके जो कृतज्ञता हमारा इसके स्टैंड खराब हो गया, इसके द्वारा दिया जा रहा है, इसके लिए दिया जा रहा है, व्यक्त किया जा रहा है, इस आधार से इनके कई रूप हो सकते हैं। पता हालांकि आभार के पीछे मूल भावना ज्यादातर मामलों में एक ही है और यह आभारी, लेकिन जितने प्रकार के हों जितने अलग अलग व्यक्तियों के हम आभार करते हैं किसी भी कार्य के लिए सबका भावना यही है कि हम उसके प्रति आभारी हैं और उसके किए हुए कार्यों के प्रति हमारा क्या है,
हम बिना कह रहे आप राजी होना सिखाता है। कह रहे कि पहला क्या है कि तगता कुछ प्रकार इस प्रकार है, एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता, यदि हमारा जो ग्रेटिट्यूड है वो किसी एक खास व्यक्ति के लिए हो या वह कृतज्ञता है जो आप दूसरों के साथ अपनी रोजमर्रा की बातचीत में किसी एक व्यक्ति के कृतज्ञता करने का मतलब क्या है कि हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में किसी से कोई थोड़े से भी काम लेते हैं तो उसको थैंक यू कहते हैं। तो ये तो हमारा किसी खास एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता प्रतिदिन हो सकता है, रोजमर्रा के जीवन में हो सकता है। हम हर दिन तमाम तरह की गतिविधियाँ करते हैं और कई लोगों के साथ बातचीत करते हैं, सहकर्मी हों, सहयात्री हों, सामुदायिक सहायक हों, हमारे ऑफिस स्टाफ हों, हमारे शिक्षक हों, यानी वो छोटे नीचे स्तर से लेकर के ऊपरे स्तर तक जब भी हम क्या करते हैं उनके साथ वर्क करते हैं तो उनके प्रति हम क्या होते हैं आभारी होते हैं। उनसे किए गए काम को हम वापस करने के लिए हम उनके प्रति आभार करते हैं। हम एक दिन में कई साधु संतों के साथ बातचीत भी करते हैं और कभी कभी उनके व्यवहार को याद भी नहीं रखते। बहुत से लोग हमारे ऊपर दयालुता का आसान कार्य करते हैं जिसके लिए हमें आभारी होना चाहिए। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे महान पुरुष हैं जो हमारे लिए बहुत सारे अच्छे काम करके गए लेकिन कभी हम उनको याद नहीं करते, कभी हम उनके प्रति आभार व्यक्त नहीं करते, लेकिन उनके किए गए एहसानों को हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं शामिल करते हैं। कि आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीज़ों को और आपके आसपास के एलिमेंट्स को प्रदान करने वाले जीवन की प्रचुरता के लिए भगवान को इस तरह से कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। हम क्या करते हैं जितने भी चीज़ों को हम उपयोग करते हैं, जितने भी हम एलिमेंट्स का यूज करते हैं, वो सनलाइट हो, स्वाद हो या कोई और भी चीज़ फूल हो, सारे कौन दिए हैं तो हम भगवान से प्राप्त किए हैं, नेचुरल थिंग्स हैं। लेकिन कभी हम क्या करते हैं भगवान को कुछ लोग याद भी करते हैं, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बस अपना काम करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करने का समय भी नहीं बार बार या करते नहीं। प्रचुरता के लिए भगवान को इस तरह की कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, हमें उस सर्वशक्तिमान का हर उस चीज के लिए आभारी होना चाहिए जो हमें दी है, भोजन, पानी, हवा, मिट्टी, फूल, जानवर, झरने, बादल इत्यादि, यानी जो भी भगवान ने हमारे सुविधा के लिए जो भी हमारे जीवन के लिए उपलब्ध कराई है उसके प्रति हमें सभी को आभारी होना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। हमें ईश्वर का आभार इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसा सुंदर ग्रह दिया है जहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन और सुंदरता मौजूद है। सबसे बड़ी बात कि जो हमारे जीवन अर्थ जिस जगह पे रहते हैं एक नेचुरल अर्थ भगवान ने ऐसे अर्थ का निर्माण किया, ऐसे ग्रह का निर्माण किया जिस जगह पे हमारा जीवन संभव है। अब इस जीवन संभव होने के पीछे रीजन क्या है तो कई तरह के रीजन है। वास्तविक हम लोग जानते हैं कि हमारे जो लाइफ है ओनली एक ही हमारे यूनिवर्स में ग्रह प्लैनेट है जहाँ पे जीवन में वो है अर्थ। लेकिन अर्थ जीवन जीने के लिए होना क्या चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स होना आवश्यक है, तो सबसे पहला ऑक्सीजन, दूसरा वाटर, लेकिन हर चीज और भी जो वेरी इंपॉर्टेंट है काफी महत्वपूर्ण है वो है प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम सन और अर्थ। अगर मान लेते यहाँ पे अर्थ वाटर मौजूद है, एयर ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन अगर सूर्य की दूरी पृथ्वी के कुछ नजदीक हो जाए तो फिर हमारा जीवन इस जगह पे संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर जो हीट है, प्रॉपर टेम्परेचर भी हमारे लाइफ सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है। यही कारण है कि जीवन में तीन कंडीशन अर्थ तीन कंडीशन को लेकर के इस ग्रह पे जीवन संभव हुआ है जो भगवान ने इसका निर्माण किया। इसलिए भगवान को इसके लिए भी हमें आभार देना चाहिए कि आपने एक ऐसा ग्रह बनाया, एक ऐसा ग्रह का निर्माण किया जिस पे हम सभी अपने जीवन जी रहे हैं, अपने कार्यों को कर रहे हैं और आपके प्रति हम सदा आभारित रहते हैं। हमें ईश्वर का आभारी, उन्होंने हमें एक ऐसा सुंदर ग्रह दिया जहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है, सुंदरता और सुंदरता मौजूद है। हम हर बार भोजन से पहले हाथ जोड़कर ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं और इस सुंदर पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश
नहीं करेंगे और न ही किसी भी प्राणी को नुकसान पहुँचाए। अब हम भगवान के प्रति आभार कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो उन्होंने जो भी उपलब्ध किया है, जब भी हम किसी चीज़ का यूज करते हैं, यदि हम भोजन करने के पहले हम उस सर्वशक्तिमान को याद कर लें कि प्रभु आपने जो हमारे लिए भोजन दिया है, जिसके द्वारा हम अपने लाइफ को जी रहे हैं, जीवन को जी संचालन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। पृथ्वी को नुकसान और कभी हमें अपने पृथ्वी को नुकसान करने की चेष्टा नहीं करेंगे और हम अपनी पृथ्वी को हरियाली बनाए रखेंगे, जिसके द्वारा हम जहाँ से भोजन दे रहे हैं वो हमेशा हमें उपलब्ध होता है। दूसरा है दोस्तों तथा परिवारों के प्रति कृतज्ञता। दूसरे रूप में हम भगवान के प्रति एक व्यक्ति के प्रति कर सकते हैं, दूसरे दोस्तों के प्रति और परिवारों के प्रति। कहें इस तरह की कृतज्ञता हमारे सबसे करीबियों के प्रति व्यक्त की जाती है। ये जो कृतज्ञता है हम अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, हम अपने दोस्तों के लिए, हम अपने समाज में रहने वाले आसपास के लोगों के लिए व्यक्त कर सकते हैं। परिवार दोस्त वे हमारे जीवन में अपना प्यार और सहारा देकर काफ़ी अहम किरदार निभाते हैं। यह संभव नहीं है कि आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव को बिना परिवार या दोस्तों की सहायता के पार करें। हम सभी एक क्या है सोशल जीवन, हम अकेला जीवन नहीं जी सकते, उसके लिए हमें अपने दोस्तों की आवश्यकता है, हमें अपने परिवार की आवश्यकता है, हमें अपने पड़ोसियों की आवश्यकता है, और अगर आगे बढ़ें तो हम अपने पूरे देश देश और विदेशों को भी आवश्यकता हो। यानी हम अकेले अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कई तरह की सहायता आवश्यक होती है। कदर यह संभव नहीं कि अपने जीवन के उधार चढ़ाव को हम अकेले या बिना परिवार और बिना दोस्तों के बिना भी जी सके। इस बात को हमें हमेशा अपने दिमाग में याद रखना चाहिए और अपने करीबियों का हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए, और इस तरीके से हमें अपने दोस्तों परिवारों अपने पड़ोसियों के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए कि आप जैसे हमारे पड़ोसी हमारे पास में हैं, जिससे हम हमारा जीवन अच्छे ढंग से बीत रहा है। हम जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ के अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि चलिए आपके जैसे इतने अच्छे दोस्त मिले, इतने अच्छे सहायक मिले हमारे, जिससे हमारा जीवन सुचारू ढंग से चल रहा है और हम अपनी बात को करने में सफल हो। हालांकि वे हर दिन हमारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन वे निश्चित रूप से तब हमारी मदद करते हैं जब हमें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति किसी को प्रतिदिन हेल्प नहीं करता, लेकिन वो कभी ना कभी हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, इसलिए हमें उनको आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और समय की मांग के अनुसार हमें उनके लिए आभार वापस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभी हमारी भौतिक उपस्थिति और मार्गदर्शन सुझाव आदि ही एहसान प्राप्त करने वापस करने के लिए काफी होता है, लेकिन एहसान करने के लिए हम उनका आभार कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं कि उनके सामने होना आवश्यक है। हम उनके प्रति उनके गुणगानों को कर सकते हैं, उनके जो इम्पोर्टेंस है किसी को बता सकते हैं, तो इस तरीके से हम आपस में चर्चा करके किसी दूसरे को उनके महत्व के इम्पोर्टेंस को बता करके भी उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि कदाभार वापस करने के लिए हमारी भौतिक उपस्थिति और मार्गदर्शन सुझाव आदि ही इंसान वापस करने के लिए काफी होता है। परिवार और दोस्तों के प्रति आभारी होना एक ऐसा कार्य है जो न केवल आपके व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करता है बल्कि एक खुशहाल और संतुष्ट समाज भी बनाता है। ये जो आभार शब्द है इससे क्या होता है, तो जब हम किसी व्यक्ति के प्रति आभारी होते हैं तो उनसे क्या होता है, हमारे जो रिलेशन है अच्छा बनता है, संबंध सुधरता है और एक खुशहाल और संतुष्ट समाज का निर्माण होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ग्रेटिट्यूड तो प्रकार है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस है इसका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, कहता है इम्पोर्टेंस ऑफ शोइंग ग्रेटिट्यूड टू योर चाइल्ड। खास करके जिस जगह पे हम काम करते हैं अपने स्कूल में, तो बच्चों में इस गुण का विकास करना काफी महत्वपूर्ण है। शोइंग ग्रेटिट्यूड टू योर चाइल्ड इज अनदर फॉर्म ऑफ गिविंग देम स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। जब हम बच्चों में
मृत्यु की भावना को जगाते हैं, जागृत करते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनके अंदर ताकत और उनके विश्वास में वृद्धि होता है, उनके स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट होता है। बेटा दिस इज अदर कॉल ऑफ शोइंग द पावर एंड मोटिवेटिंग देम टू वर्क मोर। और इस तरीके से जब उनके अंदर एनर्जी क्रिएट होगा, जब उनमें विश्वास बढ़ेगा, तो बच्चे क्या करेंगे, अपने कार्य को सही और सुचारू ढंग से और काफी तेजी से कर पाए। देयर आर सेवरल पॉइंट्स ऑफ शोइंग एटीट्यूड टू योर चाइल्ड। इट मेक योर चाइल्ड डिसिप्लिन, ओबीडियंट, कॉन्फिडेंट एंड स्पेसिफिक टुवर्ड्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि जब बच्चों में अगर आभार व्यक्त करने के लिए किसी के प्रति आभारी होने का भावना जागृत हो गया, तो उनमें किस चीज का डेवलपमेंट होगा, तो उनमें होगा क्या, तो डिसिप्लिन होगा, बच्चे डिसिप्लिन होंगे, वो ओबीडियंट बनेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे एंड स्पेसिफिक टुवर्ड्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और अपने उद्देश्यों के प्रति क्या होगी, सचेत होगा, उनके उद्देश्य पूरे करने की शक्ति जो है उन्हें इम्प्रूव होता रहेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, टीचर्स एंड मेंटर्स टू शो देम सो ग्रेटिट्यूड बिकॉज दैट पुश देम टू स्टडी एंड वर्क। लेकिन अब बच्चों में जागृत होगा कैसे, तो इसके लिए क्या, किनको, तो उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके एल्डर्स, उनके मेंटर्स, उनके आसपास नेबर जो हैं पड़ोसी, यानी सभी को मिल करके उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनके किसी कार्य के प्रति उनको क्या ग्रेटिट्यूड करना, उनको आभारी होना पड़ेगा। जब भी बच्चे कोई ऐसे कार्य करे, वाह वेरी मार्वेलस, वेल डन, थैंक यू, है ना, थैंक यू, तो ये सारे जब उनमें हम उनके साथ बिहेव करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब भी कोई कार्य करे, वाह आपको सर हमको बहुत थैंक्स बोले इस कार्य के लिए, तो उनके अंदर होगा क्या, कब किसी ने उन्हें आदमी के साथ और भी काम करने का प्रयास करेंगे। CBSE school is one of the most well-structured schools that gives the best education and differentiation of culture to your child. In this block, that is, in this we have importance of gratitude to sambandhit kuch aur bhi jo prashn hai unko hum clear karenge. Pehla ab sign kya hai, what is the sign of gratitude, hum kaise samajh jayenge, kaise inke hoga ki hum gratitude get kar rahe hain. So what does gratitude look like? Gratitude nazar kaisa aayega? How do you know if you are expressing the sense of gratitude, expressing your appreciation and thanks for what you have and happened in number of different ways? For examples, first as kaise hum and kaun sa sign hai? To sabse pehle kya hai? Spending a few moments thinking about the things in your life that you are grateful. सबसे पहले हमको क्या करना है, कैसे हम अपने आप अंदर को शो करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ समय निकालना है और उसके प्रति हमें आभार, उसके प्रति हमें सोचना है, योर लाइफ दैट यू आर ग्रेटफुल, यानी जो आपके जीवन जीने में सहायक है वैसे वस्तुओं के प्रति, उसके निर्माणकर्ता के प्रति हमें क्या करना है, कुछ समय देना है और उनको थैंकफुल होना है। गॉड आपने जो प्रदान किया, जिसके कारण हमारे जो जीवन है सुचारू ढंग से चल पा रहे हैं। दूसरा, स्टॉपिंग टू ऑब्जर्व एंड एक्नॉलेज द ब्यूटी ऑफ वंडर ऑफ समथिंग यू एनकाउंटर इन योर डेली लाइफ। जो हम अपने आसपास की सुंदरता को देखते हैं, जो आसपास हम डिफरेंट थिंग्स को देखते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना। थर्ड, बीइंग थैंकफुल फॉर ऑल योर हेल्थ। हम स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ कैसे हैं, बाय गॉड ग्रेस। कई लोग कहते हैं बाई गॉड ग्रेस भगवान को छोड़ते ही नहीं, भगवान को करते ही नहीं, लेकिन हम हेल्दी हैं तो हेल्दी होने का मतलब क्या है कि हम भोजन लेते हैं, लेकिन भोजन बनाता कौन है, हमारे मम्मी हमारे घर में जो होते हैं वो भोजन को तो केवल वो करती है, टेस्टी बनाती है, लेकिन भोजन को लाते कहाँ से हैं, तो डिफरेंट थिंग्स के द्वारा बात करते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो इसलिए बड़े उनके प्रति भी क्या होना चाहिए, हमको उस व्यक्ति अगर हमारे लिए कुछ अच्छे काम करते हो, अब अच्छे काम करने का मतलब क्या हो सकता है, कि अगर हम पैसे की तंगी में हो, कई सारे लोग होते हैं पैसे की तंगी में
आपके पास नॉलेज है कि अगर आप कोचिंग कर दीजिए तो आपका जो है इनकम बढ़ जाएगा, तो मुझे सजेशन भी हमारे लिए क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है और हम उनको इस सजेशन के लिए भी थैंक्स बोल सकते हैं। पेइंग अटेंशन टू द स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ दैट ब्रिंग यू जॉय एंड पीस। अब वैसे कोई भी चीज़ जो हमें शांति प्रदान करती हो, जो खुशहाली प्रदान करता हो, वैसी चीज़ों के लिए भी हम उन क्या करेंगे उनको ग्रेटिट्यूड देंगे, उनको एक आभार व्यक्त करेंगे। अब बात आती है एक सारी चीज़ें करते हैं लेकिन हाउ टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, हम इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना जागृत होगी। तो डेवलपिंग द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स चैलेंज, एक कोई काफी का कार्य नहीं है, कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं है, बाकी कोई जटिल वर्क नहीं है कि जो ये उत्पन्न नहीं हो सकता, ये हमारे अंदर डेवलप नहीं हो सकता। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल टूल्स और ट्रेनिंग एंड द मोर यू प्रैक्टिस, और नहीं कोई इसके लिए कोई हमारे पास कोई लैपटॉप हो, मोबाइल हो या और कोई अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ये हमारे अंदर डेवलप हो सकता है। करना क्या है तो सिर्फ इसके लिए प्रैक्टिस, यदि हम किसी को प्रति आभार व्यक्त करें यानी कुछ भी काम हो तो अगर माने क्लास में अगर बच्चे को भी आदत लग जाए, क्लास में टीचर जाते हैं बच्चों को कई स्टिक लगाते हैं, कुछ गलत कर दिए उसके लिए दो स्टिक लगा दी, अगर बच्चे में ये भावना उत्पन्न हो जाए अच्छा सर ने दो स्टिक मारा है, लगता है हो सकता है जरूर हमें गलती हुई, लेकिन बच्चों में उल्टा उल्टा अच्छा सर आए थे मैं बार हमें तुम बहुत आज भी दे बाहर निकालते हैं उनके मोटरसाइकिल का हवा निकाल, तो उनसे होगा क्या, उनमें निगेटिव एनर्जी डेवलप हो रहा है, सर ने सीखा उनको सुधार के लिए बच्चे में एनर्जी निगेटिव जा रहा है, लेकिन जब बच्चे समझ जाएंगे कि सर ने हमें दो स्टिक पीटा पांच स्टिक पीटा जरूर हमें कहीं मिस्टेक हुआ है, अगर ऐसा उन्हें सोच धीरे धीरे डेवलप हो जाए तो एक दिन वो अच्छे पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं, अच्छे नागरिक हो सकते, तो इसके लिए केवल करना क्या है तो हम अपने थिंकिंग को और क्या करना अच्छे करना है केवल प्रैक्टिस करना है, कहना है बेटर यू विल बिकम एंड पुट योर सेल्फ इनटू अ ग्रेटफुल स्टेट ऑफ माइंड, सो हियर इज हाउ टू डू दिस, कहते हैं इसके लिए हमारे अपने माइंड को क्या करना है सुधार करना है, माइंड को कूल रखना है और अच्छे विचार उत्पन्न कर हमारे माइंड में हो, इसके लिए केवल प्रयास करना है, हियर इज हाउ टू डू दिस, अभी करेंगे कैसे तो ऑब्जर्व द मोमेंट, अब इसके लिए करना क्या होगा तो हमें सबसे पहले करना ऑब्जर्व द मोमेंट्स, उस क्षण को ऑब्जर्वेशन करना होगा, टेक अ सेकंड ऑफ फोकस ऑन योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू आर फीलिंग, टेक अ स्टॉक ऑफ योर सेंस एंड थिंक अबाउट व्हाट इज हेल्पिंग यू, तो कहता है कुछ चीज़ के बारे में हमको सोचना होगा कुछ समय निकाल करके कि टेक अ स्टॉक ऑफ योर सेंस एंड थिंक अबाउट व्हाट इज हेल्पिंग यू, वैसे चीज़ के बारे में सोचना है कि चलो आज हम स्कूल आए या हम इस कार्य को किए तो इसमें हमें मदद कौन कौन होगी, किन किन का मदद के द्वारा हम इस कार्य को करने में सफल हो पाए, मेरा हु हैव डन समथिंग फॉर यू, और इसके लिए जो हमें मदद किया इस कार्य को करने में तो उस उसके प्रति हम लोग कुछ सोचना है आभार व्यक्त करना है, जैसे जस्ट लाइक हम यहाँ पे अपने एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी पोस्टर यूज कर रहे हैं, हमारे पास टेबल है पेन है टेबल है, तो ये सारे जिसके द्वारा हम क्या करें अपने कार्य को सही प्रकार कर पाए, तो ये सारे के प्रति हम क्या होना है एक आभार व्यक्त करना चाहिए, आभारी होना चाहिए कि थैंक गॉड दैट इट मींस वी टेबल देयरफॉर आई डन इसलिए अच्छा होता है, थिंग्स हेल्पिंग यू मैनेज योर स्ट्रेस feel good about your life or accomplishes what you need to do. You may also find a practice of mindfulness which focus on becoming more aware of the present moment and helpful to. और इसलिए हमें क्या करना चाहिए बार बार अपने माइंड को स्थिर रखना चाहिए और उसके प्रति हमें पॉजिटिव थिंकिंग करना का विकास करना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है राइट डाउन, हमें उसको लिखना चाहिए क्या लिखना चाहिए यू मस्ट फाइंड इट हेल्पफुल टू स्टार्ट टू राइट बीइंग एबल टू डू बैक ऑन दी ऑब्जर्वेशन एंड हेल्प मेनी
यू आर स्ट्रगलिंग टू फील गुड। जब भी कोई हमें मदद करता हो, जब भी हम किसी चीज़ की सहायता लेते हैं तो अच्छी चीज करते हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए, बैक डाउन कर देना चाहिए और बाद में उसे फिर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, जिससे क्या हो कि हम उस स्ट्रगल के प्रति आभार व्यक्त कर सकें। दूसरा, सेवर द मोमेंट, गिव योरसेल्फ टाइम टू रियली एंजॉय द मोमेंट, फोकस ऑन एक्सपीरियंस एंड अलाउ योरसेल्फ टू एब्जॉर्ब दोज़ गुड फीलिंग्स। और उस समय ऐसे निकालना है कि जो हम मदद हो रहा है जिसके द्वारा, उसके लिए हम कुछ समय व्यतीत करें और उसके प्रति कुछ हम फीलिंग्स अपना व्यक्त कर सकें। एंड लास्ट, गिव थैंक्स, कहता है अंत में क्या करना है, तो ग्रेटिट्यूड इज ऑल अबाउट रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग दोज पीपल थिंग्स मोमेंट्स आर स्किल और गिफ्ट्स दैट ब्रिंग जॉय पीस और कंफर्ट इनटू आवर लाइफ, सो योर एप्रिसिएशन यू माइट थैंक अ पर्सन टू शो यू थैंक यू फॉर देम और यू माइट स्पेंड द मोमेंट सिंपली ग्रेटफुली अप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव। और लास्ट में हमें उनके प्रति क्या करना है, तो थैंक्स व्यक्त करना है कि आपने जो भी मदद किया, आपने जो भी हमें प्रदान किया, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे फिजिकल पार्ट्स के लिए क्या कहें, दंड स्वरूप ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन सर, हम आपके पास एक छोटा सा एक वीडियो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो शो करता है कि ग्रेटिट्यूड का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उससे क्या निकल सकता है, हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है।
The facility of top school
एंड ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ चाइल्ड लाइफ अ प्रॉपर कैरियर विल मेक देम टू बिकम सक्सेसफुल पीपल इन देयर लाइफ मेक श्योर टू क्रिएट रेगुलर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड ट्राई टू अचीव देम इन द फ्यूचर हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रे चिल्ड्रन फॉर चूजिंग द राइट करियर इन देयर लाइफ अगर बच्चे हमारे अच्छे कोई करियर हो अच्छे लाइन को अपने करियर के हिसाब से चूज करते हैं या उसमें सक्सेस होते हैं तो उनके लिए भी हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए when we start supporting and creating our child at their goals and objectives our child become more optimistic this brings all the positive and negates negative all down the way और जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चों के अंदर होता क्या है उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है समाप्त हो जाती है और उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है नेक्स्ट व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड आज इसका इंपैक्ट क्या है तो इंपैक्ट इसका प्रभाव हमारे जीवन में उस बच्चों पर क्या होगा तो इंपैक्ट है ग्रेटिट्यूड का क्या द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड can have a significant positive importance on both physical and psychological health. Benefits of gratitude are better sleep. अब इसके क्या benefits हैं? तो सबसे पहला जो importance है हमारे जीवन में impact है better sleep, better immunity, higher self-esteem, decreased stress, lower blood pressure, less anxiety and depression. A stronger relationship, high level of optimism. यानी ये सारे अगर हम gratitude के follow करते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर हमारे अंदर एक सारे चीज़ों का विकास होगा बच्चे self esteem होंगे बच्चे में immunity मजबूत होगा बच्चे की अच्छी नींद आएगी और उनके अंदर का वह anxiety कम आ जाएगा So, thank you. थैंक यू सर दोस्तों फॉर ब्यूटीफुल सेशन एंड थैंक यू